गाइज़ गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई चैनल ऑल जॉब नोटिफिकेशन सो फ्रेंड्स टूडे वी विल डिस्कस ऑल अबाउट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इनाग्रेशन एज़ यू नो कि कल ट्वेंटी एथ में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री को नरेंद्र मोदी जी और जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी उन्होंने हवन वगैरह सब कुछ किया इनाग्रेशन तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया ठीक so, है सो क्विक फैक्ट्स जो कि इससे रिलेटेड हैं वो सारा हम डिस्कस करेंगे आज क्योंकि यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए या फिर आपके एल आई सी का इंटरव्यू होगा सो so उसके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ठीक है सो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें है क्या नहीं है ठीक है so सो चलिए चलते हैं वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो और आप बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप लोग न्यूज़ सर्च कर लीजिएगा ठीक है वहाँ से भी कुछ देख सकते हैं अगर कुछ रह गया हो इसमें ठीक है जैसे मैंने आ, मतलब कोशिश की है कि कवर हो पाए पूरा लेकिन फिर भी अगर कुछ न्यूज़ रह जाती है तो आप लोग एक बार ज़रूर इसका आर्टिकल रीड कर लीजिए ठीक है सो चलिए चलते हैं सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसको पी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है न्यू डेली में इसमें पी मोदी जी ने इसको इनाग्रेट किया ठीक है और इसका जो एरिया है टोटल कितने एरिया में ये कवर हुआ पूरा सो सिक्सटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वेयर मीटर में ये पूरा है कैंपस ठीक है मतलब कैंपस नहीं बिल्डिंग ओके एंड पी एम मोदी ने इंस्टॉल किया हिस्टोरिक सेंगोल uh, नियर द लोकसभा स्पीकर चेयर uh, सेंगोल क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ अभी नीचे ये है हिस्टोरिक्स कैप्टर है फ्रॉम मतलब ये एक uh, वो जो गोल्ड का है ना पूरा सिंबल जैसा फाइव फीट टॉल है इसकी हाइट ठीक है और सेंगोल का मतलब ये तमिल आ, में जो इसको सेमाएँ बोलते हैं मतलब राइटियसनेस और आपका क्या मतलब अच्छे उसके लिए और ये मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को के टाइम आया था ये फोर्टीनथ अगस्त 1947 को जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के चले गए थे तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ़ पावर के लिए दिया गया था ठीक है सो so, इसको इनाग्रेट किया गया लोकसभा के स्पीकर के चेयर के पास ठीक है और जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है फ्रेंड्स इसमें जो, जो सीटिंग कैपेसिटी है वो लोकसभा में जो है उसमें एट एटी एट 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 मम्बर्स हैं मतलब एट ठीक है आठ हज़ार अट्ठासी सॉरी आठ सौ अट्ठासी एंड पहले थे इसमें फाइव फोर्टी थ्री मेम्बर की कैपेसिटी थी और राज्यसभा में फ्रेंड्स अब थ्री एटी फोर मेम्बर्स सीट कर सकते हैं ठीक है पहले ये 250 होते थे तो पहले देखो ये आ सकता है कि लोकसभा में पहले कितने मेंबर की कैपेसिटी थी बैठने की तो 543 थी अब 888 मेंबर्स सीट कर सकते हैं और राज्यसभा में 384 और पहले ये टू थी ठीक है पी मोदी ने लेड किया फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन मतलब इसका इसकी फाउंडेशन कब रखी थी दस दिसंबर 2020 को ठीक है पीएम मोदी एंड लोकसभा स्पीकर जो है ओम बिरला अटेंडेड अ सर्वध धर्म प्रार्थना सेरेमनी एट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग प्रीस्ड फ्राम अधीनाम्स इन तमिलनाडु ऑफर्ड फ्लास टू द हिस्टोरिक स्पेक्टर सेंगोल सेंगोल एक हिस्टोरिक स्पैक्टर है फ्रॉम तमिलनाडु से ठीक है वॉज गिवन बाय द ब्रिटिश टू द फर्स्ट ब्रिटिश के द्वारा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा टू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू टू रिप्रजेंट द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया सेंगोल इज़ अ वर्ड है डिराइव फ्रॉम द वर्ड तमिलनाडु वर्ड है सेमाए जिसका मीनिंग होता है राइटेस्नेस एंड गुड गवर्नेंस के लिए ठीक है द हिस्टोरिकल स्केप्टर वॉज मेड ऑफ सिल्वर कोटेड विद गोल्ड कोटेड एंड क्राउंड विद अ फाइव फीट लॉन्ग स्केप्टर ठीक है जिसकी आपको हाइट आ सकती है कितना uh, मतलब लेंथ कितनी है इसकी तो फाइव फीट लॉन्ग है ठीक है दट और जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की शेप है ट्राइंगर शेप में आई है ड्यू टू क्योंकि वहाँ पे लैंड वैसी थी तो उस वजह से पहले सर्कुलर था लेकिन अब ट्राएंगुलर है ठीक है टोटल कॉस्ट इसकी कितनी फ्रेंड्स नाइन सेवेंटी वन करोड़ रुपीस हैं अभी मतलब पूरा डाटा तो इतना ही बता रहे हैं लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है कह रहे हैं कि बारह सौ करोड़ तक हो सकता है पूरा टोटल पी एम मोदी ने रिलीज़ किया स्टैम्प एंड सेवेंटी फाइव रुपीज़ का कॉइन इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सो आपको आ सकता है कि कितने रुपये का कॉइन लॉन्च किया पी एम नरेंद्र मोदी जी ने और स्टैंप तो सेवेंटी फ़ाइव का कमेमोरेटिव कॉइन इन्होंने लॉन्च किया ठीक है मटेरियल यूज मतलब जो बिल्डिंग में मटेरियल कहाँ कहाँ से यूज़ किया तो थोड़ा सा बहुत ऐसे ही रीड कर लेते हैं नॉलेज के लिए फ्लाई एश ब्रिक्स जो यूज की गई कंस्ट्रक्शन में सारा इंडिया से ही किया गया है फ्रॉम हरियाणा एंड यूपी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग यूज मैनुफेक्चर सैंड और एम सेंड फ्राम चरखी दादरी इन हरियाणा पीक वुड जो मतलब वुड होती है वो उसको कहाँ से सोस्ट किया गया नागपुर महाराष्ट्र से रेड और वाइट स्टोन सोस्ट किए गए हैं सरमाथुरा इन राजस्थान से और वाइट मार्बल सोस्ट किया गया आपका अंबाजी इन राजस्थान द स्टील स्ट्रक्चर ऑफ द फॉल सीलिंग इन लोकसभा एंड राज्यसभा चैम्बर्स हैव बीन सोस्ट किए गए फ्रॉम यूटी ऑफ दमन एंड यू मटेरियल्स फॉर अशोका एम्बलम सोस्ट किया गया औरंगाबाद इन महाराष्ट्र एंड जयपुर इन राजस्थान वाइल अशोक चक्र डनिंग द मासी वॉल्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा चैम्बर्स एंड एक्सटीरियर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल्डिंग उसको सोस्ट किया गया मध्य प्रदेश से यहाँ पे सिक्स न्यू कमेटी रूम्स हैं इसमें न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में पहले तीन कमेटी रूम होते थे ओल्ड बिल्डिंग में ठीक है अब सिक्स न्यू कमेटी रूम्स हैं और नाइन्टी टू रूम्स हैं एज ऑफिस फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए ठीक है सिक्सटीन फुट टॉल जो ब्रॉन्ज स्टैचू है महात्मा गांधी जी का आ, वो वहीं पर रहेगा ऑन द लॉन बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू बिल्डिंग में नेशनल सिंबल जो है इंक्लूडिंग द लाइन कैपिटल ऑफ अशोका इसका टोटल वेट कितना है नाइन्टी फाइव हंड्रेड के जो लाइन है एंड ई सिक्स पॉइंट फाइव मीटर इन वाइड इन हाइट में ठीक है तो जो अशोक अशोका एम्बलम जो है उसका टोटल वेट कितना है नाइन्टी फाइव हंड्रेड के जी और ये सिक्स पॉइंट फाइव मीटर है इन हाइट में और इसको दूर से भी काफ़ी दूर डिस्टेंस